हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये मंगलवार का सुबह का एक व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नॉर्थ इंडियन सोसाइटी कमेटी का बैंगलोर में मेरे घर के पास 10 मिनट दूरी पर, यहाँ ड्राइव पे, यहाँ मतलब 10 मिनट ड्राइव पे, यहाँ मैं आई थी, दूध लेने आई थी मैं मिल्क पार्लर के लिए। तो मैंने यहाँ देखा पूजा पंडाल सभी कुछ रेडी हो रहा था और हवन का, देखिए हवन कुंड है, वो हवन करेंगे आज मंगलवार शाम को। होम हवन, संगीत कीर्तन भजन सभी कुछ होगा, प्रसाद भी होगा। तो अभी यहाँ पर जो बिठाए हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी और माता दुर्गा माता और सरस्वती और षण्मुख जी, ये भगवानों को प्रतिष्ठापन किया गया है। और आज का शुभ मुहूर्त, शुभ दिन ही सारे सुहागने यहाँ पर आते हैं देवी माँ को। सुहागन का जो भी सामग्री रहता है ना, सिंदूर चूड़िया और ब्लाउज पीस जो भी रहता है सुहागन का सामग्री यहाँ चढ़ाते हैं। और आयुध पूजा आज है। आयुध मतलब जो माता रानी दुर्गा मैया राक्षस का, महिषासुर का संहार करती है, तो उनके हाथ में जो रहता है ना आयुधों को, उनको पूजा, उन वही शक्ति है। तो माता रानी के हाथ में जो आयुध है वही शक्ति रहता है। उन आयुधों को पूजा करने के लिए ही, वही सिंबल के लिए ही हम ये एक त्यौहार, ये आयुध पूजा मनाते हैं। सरस्वती जी विद्या देवी है। विद्या के बगैर हर इंसान के जीवन में कुछ भी नहीं रहता, अंधेरा रहता है। विद्या हो तो सब कुछ है, इसलिए माता सरस्वती का और गणेश जी का, गणेश जी का बिना तो हर पूजा अधूरा है। प्रथम पूजन गणेश जी का ये है। सुब्रमण्य स्वामी तो षण्मुख स्वामी है। और आज ही के दिन पांडवों ने अपने आयुधों को शमी वृक्ष के अंदर छुपा कर रख दिया था, तो इसी वजह के लिए भी शमी वृक्ष का पूजन करते हैं। शमी वृक्ष का ही आज बन्नी महाकाली पूजा कहते हैं। शमी वृक्ष को कन्नड़ा में बन्नी महाकाली कहते हैं। पांडवों ने शमी वृक्ष में ही अपना आयुधों को छुपा कर रखा था। और ये लड़की है हमारी नेबर, मेरी फ्रेंड की बच्ची है। तो अभी वो ड्रेस दिखाने के लिए आई थी मेरे पास, मेरे घर में उनका शॉप है, तो शॉप के पूजा के लिए रेडी हो गई थी। वो जाने वाली है अभी, तो उनकी मम्मी ने भेजा कि जाओ आंटी को ड्रेस दिखा कर आओ। तो मैंने सोचा एक बार मैं इसका शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने दहलीज लक्ष्मी का मैंने पूजा रंगोली सभी कुछ कर दिया है। सुबह ही उठकर बहुत सारे काम रहते हैं त्यौहार के दिन, मतलब ना बहुत सारे काम रहते हैं, अकेली हो तो और भी करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। बच्चों ने तन्मया हाँ, इन विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडीइंग? Which standard? LKG. You are studying in LKG. Which village? Bangalore or? Which? City. Your city. Village. And? Uru yavadu. Ajji uru yavadu. Kodoli. Okay. Mm-hmm. Ajji uru ishtana? Idu ishtana? ಎರಡು ಇಷ್ಟ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಊರು ಇಷ್ಟನಾ? ಹ್ಞೂ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ? ಮೈ ನೇಮ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಂಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಲಗಿದ್ದಾಳಾ? ಶಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ನೌ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್? ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಾ? ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಅಚ್ಚಾ, ನೈಸ್ ಡ್ರೆಸ್. ಯಾರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು? ಮಾಮ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ? ಊರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಾಮನ ಹೌದಾ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ತನ್ಮಯ. ನೈಸ್ ನೇಮ್, ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಗುಡ್, ಲುಕಿಂಗ್ ನೈಸ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಬೇಬಿ. ಅವ್ರ ಏ ಐ ಸಿರಿ, ಇಸ್ ಬಚ್ಚಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಐ ಸಿರಿ ಹೇ. 9 ಮಂತ್ಸ್ ಅಭಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೇ.
तो इसका दांत निकल आए हैं, दो छोटे छोटे दांत निकल आए हैं। सुबह से इतना रो रही थी, मैं घर में रेडी हो रही थी, सुबह में फ्रेश अप हो रही थी, इसका रोना सुन के ना बाद में इनके घर में गई, दौड़ी चली कि इतना रो रही है आपकी बच्ची, क्या हुआ? मैंने पूछा। वो काम करने को नहीं छोड़ती मुझे, हमेशा मैं ही उसको मतलब गोदी में बिठा कर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा गोदी से इधर उधर हुई तो वो रोने लगती है, मेरा हाथ नहीं छोड़ती कभी भी, वो बोली। मुत्तू उनका नाम है, वो बोली। इनका दुकान है, शॉप है, तो सभी लोग अभी तीनों लोग ये अपने शॉप के लिए जाएंगे। यहाँ पर मैंने दलिया 30 मिनट्स तक मैंने सोक किया था वाटर में। दलिया का खीर बनाऊंगी गुड़ के साथ, दलिया गुड़ और कोकोनट, ड्राई कोकोनट सभी कुछ डालकर मैं आज दलिया का खीर बनाऊंगी। मेरी हमारी जो कुल देवी माता को वही पसंद है तो मैं वही बनाने वाली हूँ आज। हाय हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है आयुध पूजा है, तो आज ट्यूसडे है, आयुध पूजा का दिन है देवी माता का। और गाड़ी भी मुझे वॉश करना है अभी, वो भी पेंडिंग है। गाड़ी अभी थर्ड फ्लोर से नीचे जाना है, गाड़ी वॉश करके गाड़ी पूजा भी करना है, लेमन वहां रख के गाड़ी उस पर मतलब वो कहते हैं ना नजर उतारना गाड़ी का, तो वो भी लक्ष्मी है, देवी है, तो आदिशक्ति है गाड़ी भी, तो उनका भी पूजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं पूजा करने के लिए सभी कुछ तैयार हो गई हूँ, रंगोली भी हुआ, सभी घर का क्लीनिंग भी हुआ, और अभी यहाँ मैंने दलिया के लिए सोक किया है, यहाँ मैंने दलिया सोक किया है सुबह ही, 10 मिनट या 20 मिनट आप इसको सोक करो, उसके बाद आप खीर बना सकते हो। कुकर में डालना है, 3 विजिल बनाना है, उसके बाद उसके लिए गुड़ जितना मैंने अभी इस लोटे से 1 ग्लास मैंने रवा लिया था, दलिया लिया था, 1 ग्लास आप गुड़ डाल सकते हो। मैंने हर वो क्या वो ऑर्गेनिक गुड़ लाई हूँ, वही 1 ग्लास में डालूंगी। अगर आपको कम चाहिए गुड़ तो इतना यहाँ तक दलिया है तो इतना तक आप गुड़ डाल सकते हो मेजरमेंट करके, तो मैं जितना दलिया है उतना ही मैं गुड़ डालूंगी। उसके साथ घी डालना है, खसखस डालना है, और उसके साथ थोड़ा जाकाई हम कहते हैं, और उसके साथ ड्राई कोकोनट या तो और ड्राई फ्रूट्स, ये सभी कुछ किशमिश और कैशू सभी कुछ घी में फ्राई करके डालना है। अगर आपको दूध अच्छा लगता है खीर के साथ तो दूध के साथ आप खीर खा सकते हो, अगर नहीं तो आप वैसे ही जैसे रहता है खीर आप वैसे ही खीर को टेस्ट कर सकते हो। देवी माँ को ये बहुत, हमारी कुल देवी माता जो है ना माँ कालिका जो रहती है, उनको ये खीर, ये दलिया का खीर बहुत पसंद है। वहाँ मंदिर में क्या करते हैं, कुल देवी माता के मंदिर में गेहूँ रहता है ना, गेहूँ वो गेहूं को पानी छिड़काते हैं, पानी छिड़का कर अच्छे से कूटते हैं, कूटने के बाद उसके ऊपर जो एक फाइबर रहता है वो छिलका निकाल कर जाता है, उसको जितना निकलेगा ना अच्छे से वो फाइबर निकलेगा तो गेहूं खीर बनाने के लिए तैयार होगा। वो बाद में क्या करेंगे, पानी बॉयल करेंगे, गेहूं को बॉयल होते हुए पानी में डालेंगे, जब गेहूं सॉफ्ट हो जाएगा ना बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा तब उनमें गुड़ और सभी मसाले मीन्स स्पाइस मतलब जो खसखस, ड्राई कोकोनट और जाकाई और इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स ये सभी कुछ डालकर और उसके साथ घी डालकर अच्छे से खीर यम्मी वाला बढ़िया मस्त मज़ेदार वाला खीर बनाते हैं। मुझे यहाँ याद करते करते ही मुझे इतना मतलब खाने को मन हो रहा है, अभी मैं बनाऊंगी, अभी बनाकर देवी माँ को मैं भोग चढ़ाऊंगी, उसके बाद ही मैं भोग चढ़ाने के बाद ही मैं मतलब खाना बनाकर खा सकती हूँ। खाना अभी कुछ मैंने नहीं बनाई, थोड़ा सुबह मैंने चाय पिया, अभी दलिया बनाने के बाद ही सारे काम एक के बाद एक हो जाएंगे, मतलब खाना क्या बनाना, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ राइस बनाऊंगी और सांबर बनाऊंगी, इतना ही बनाऊंगी, नहीं तो पम्पकिन का स्वीट, पम्पकिन का थोड़ा सा सब्जी बनाऊंगी। वैसे भी देर हो रहा है ऑलरेडी, अकेली हूँ ना, सब कुछ करना पड़ता है, तो चलिए फटाफट में ये दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर देखिए कुकर में मैंने 1 ग्लास दलिया के लिए 3 ग्लास पानी डालना है, उसके बाद 2 विजिल या 3 विजिल कर देना है, उसके बाद वो बॉयल हो जाएगा, बॉयल होने के बाद ठंडा होने के बाद कुकर खोलना है। ये है पाउडर मैंने बनाया है दलिया को डालने के लिए, इसमें है ड्राई कोकोनट, खसखस, नटमेग पाउडर, जायफल का पाउडर, इलायची और 2 लौंग भी आप डाल सकते हो,
और एक चम्मच शुगर के साथ अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में ड्राई, वैसे ही ड्राई उसको अच्छे से पाउडर कर देना है। इसी पाउडर को हम जो बॉयल हुआ दलिया रहता है ना उसमें डालना है, उसके साथ 1:1 मतलब 1:1 दलिया रहता है तो उसके साथ 1:1 आप मतलब गुड़ भी डाल दो उसमें, गुड़ भी डालोगे तो ना यमी रहेगा। आपको गुड़ थोड़ा सा कम चाहिए तो 1 चम्मच या 2 चम्मच गुड़ आप ग्लास से निकाल कर भी डाल सकते हो। मैं तो 1 ग्लास गुड़ है तो 1 ग्लास दलिया है तो 1 ग्लास गुड़ में डालती हूँ, और उसके साथ घी का जो भी ड्राई फ्रूट्स रहता है ना फ्राई करके उसमें डाल देना है। आप चाहे तो थोड़ा सा क्रीम वाला दूध भी डाल सकते हो। यम्मी बढ़िया बनेगा ये खीर। और यहाँ पर देखिए दलिया बन के रेडी हो गया है। अगर पानी कम हुआ है तो क्या करना है पता है, थोड़ा सा 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी गरम करो, अच्छे से गरम करके इसमें मिला दो, या तो दूध चाहिए तो आप गर्मा गर्म 1 ग्लास आप मिल्क डालो, फुल क्रीम मिल्क। बहुत बढ़िया यम्मी टेस्ट वाला खीर बनेगा ना, आप ना दो दो बार खाओगे ऐसा खीर, इतना टेस्टी होगा। मैंने गुड़ भी मिला दिया, एक बार अच्छे से मिलाना है। देखिए एक बॉयल होना है इसको, जब गुड़ सभी कुछ मेल्ट हो जाएगा कलर भी थोड़ा चेंज होगा और फ्रैग्रेंस आता रहेगा किचन में, गुड़ का और खीर बॉयल होता हुआ फ्रैग्रेंस एक बहुत अच्छा वाला फ्रैग्रेंस आएगा, तब आपको ऑफ़ करना है। मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रही हूँ घी में, तो घी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप अच्छे से 2-3 चम्मच बड़े चम्मच से 2 बड़े स्पून से आप घी डालो, और भी यम्मी बढ़िया रहेगा। ये हेल्थ के लिए बहुत ही, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो और जो भी जचके रहता है ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें गुड़ है और ड्राई फ्रूट्स है और दलिया है, ये सभी ना आपके हीमोग्लोबिन और बोन्स के लिए बहुत ही मदद करेगा। गुड़ तो गुड़ और घी में ना हीमोग्लोबिन इससे और बोन्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और घी खाने से आपका ब्रेन भी मतलब स्ट्रांग रहता है, याददाश्त कमज़ोर नहीं होता। अभी यहाँ मैं भगवान का मंदिर अभी क्लीन कर रही हूँ, भोग तो मैंने रेडी कर दिया है, अभी पूजा करके भोग देना है देवी माता को, तो मैंने थोड़ा सा ही फूल लाई थी, उसी फूल के लिए 150 रुपीज़ हो गया, 150-200 तक हो गया, तो उतना ही थोड़ा सा ही मैं फूल लाई हूँ। और यहाँ दहलीज है, दहलीज का हम रोज़ पूजा करते हैं, रंगोली डालकर हल्दी कुमकुम से रोज़ हम पूजा करना ही है, मस्ट एंड शुड क्लीन, ऐसा पूजा मंदिर क्लीन करना है, एक कपड़े से पोछा करना है, उसके बाद दहलीज को लक्ष्मी मानते हैं ना हम, तो विदाउट दहलीज के पूजा किए बिना मंदिर में हम नहीं जाते। तो अभी रंगोली में डाल रही हूँ, उसके बाद हल्दी कुमकुम दे दूँगी दहलीज को, उसके बाद देवी माँ का पूजा मैं शुरू करूँगी। धूप दिया और कुछ सुपारी रखना है, केला रखना है, भोग प्रसाद रखना है, आरती धूप सभी कुछ करना है। और देखिए ये है भगवान का मंदिर का चौकट, दहलीज हम जो कहते हैं लक्ष्मी माता है उनका पूजा भी पहले करना है, उसके बाद भगवान का मंदिर में दिया लगाना है। अभी यहाँ मैंने प्रसाद रखा है, देवी माँ का भोग रखा है, ये पूजा दिया बाती कपूर आरती सभी कुछ हो गया। मैं आपके साथ एक थोड़ा सा ग्लिम्प्स भी शेयर कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ही फूल लाई थी, फूल का रेट बहुत बढ़ गया है, हर चीज़ का रेट बढ़ता ही रहता है, त्यौहार के लिए क्या करना, जितना मुझसे बनता है वो तो मैं करती हूँ। देखिए बाहर का मेन डोर का ये दहलीज है, चौकट है, रंगोलियाँ सुबह उठते ही मैंने ये सभी कुछ पूजा भी किया है। ये कुकुम्बर और बेल और लेमन ये रखना है लक्ष्मी माता को, और नज़र उतारने को लेमन रखना है और कुकुम्बर बेल मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं हम आज आयुध पूजा के दिन, मस्ट एंड शुड कुकुम्बर और बेल को, बेल के बिना त्यौहार ही नहीं रहता, हर किसी के घर में बेल और कुकुम्बर रहता ही रहता है, तो हर जगह रखते हैं आयुध पूजा, जो भी आयुध रहता है वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कंप्यूटर हो, सभी जगह पर रख देते हैं। अभी मैंने खाना खा लिया, राइस रसम राइस सांभर और दलिया का खीर मैंने खा लिया, भोग जो रखा है शाम को भोग मैं खा लूँगी, देवी माँ को के लिए मैंने रखा है, और बहुत ही यमी रसम बनाता सांभर बनाता, दाल का सांभर मैंने बनाई थी सिंपल सा, और ज़्यादा उतना कुछ बनाऊँगी ना, मैं अकेली हूँ ना, क्या खाऊँगी मैं अकेली, इतना सब कुछ नहीं खाती मैं, बाहर से स्वीट कभी कभी लाती थी, अभी स्वीट भी उतना ज़्यादा, घर में ही कितना अभी दलिया है बचा है वो भी फिनिश करना है, थोड़ा सा मैं अपने नेबर्स को दूँगी, बाकी जो बचेगा मैं थोड़ा सा शाम को खाने के लिए रखूँगी, और उसके बाद अभी मुझे
30 मिनट्स रिलैक्स करना है, 45 मिनट्स मुझे सोना है, मतलब रिलैक्स करना है, बस उतना ही। दोपहर को मैं कभी भी नहीं सोती, मुझे नींद नहीं आता है, तो यूं ही रिलैक्स करना है। अभी व्लॉग एडिटिंग भी करना है, खाना भी हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट करना है और शाम के लिए सभी थोड़ा ब्रूमिंग करना और धूप दिया, शाम का आरती करना। अगर बारिश नहीं आया तो इनकेस मैं पंडाल के लिए होकर आऊँगी देवी माँ का दर्शन के लिए, एक साड़ी पहन के अच्छे से तैयार होकर जाने के लिए बहुत मन है मेरा तैयार होने के लिए। किसको अच्छा नहीं लगता, हर लेडी को, हर सुहागन को सजने के लिए बहुत खुशी रहती है। और ये तो त्यौहार का सीज़न है, चेक करूँगी मतलब अगर बारिश आया तो नहीं जा सकती, अदरवाइज बारिश नहीं आया तो डेफिनेटली आई विल गो। मैं जाकर पंडाल जाकर माँ का आशीर्वाद लेकर वहाँ कुछ भी मैं सुपारी और कुछ फ्रूट्स देवी माँ को चढ़ाकर प्रसाद चढ़ाकर आऊँगी, इतना ही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच कीजिए बिना स्किप किए, वॉच कीजिए और लाइक बटन पर क्लिक कीजिए प्लीज़। ओके, सी यू टुमारो।